पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है और उसी पत्रकार के साथ बदसलूकी भी किया जा रहा है कहीं कहीं, तो सर इसके लिए आप क्या सोचते हैं? बदसलूकी नहीं होना चाहिए, जो भी संवैधानिक करते हैं ऐसे पद पर जो भी है बात बताओ उनको भी अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए। मतीसरा कुंवर बालिका विद्यालय में मनाया गया प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। बिहार सरकार के कानून मंत्री ने कहा कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी सही नहीं। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज मतीसरा कुंवर बालिका विद्यालय के प्रांगण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यह जयंती समारोह सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा मनाया जा रहा है। इस दौरान कई सामाजिक लोगों के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कई वक्ताओं ने अपने विचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कवि, लेखक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को उस्मानी साम्राज्य मक्का में हुआ। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य एकजुटता था। उन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाई। उन्होंने देश में चल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रूरता से आज़ादी दिलाने में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं डॉक्टर आफताब आलम ने कहा कि भारत रत्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर DAV पब्लिक स्कूल, ईशान पब्लिक स्कूल व मतीसरा बालिका कुंवर विद्यालय के बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक रहने की प्रेरणा दी। वहीं बिहार सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर समीम अहमद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यदि बच्चे ठान लें कि देश की सेवा करनी है तो बहुत ही आसानी से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा अच्छे एजुकेशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली है जहां बच्चे और बच्चियां अपने पढ़ाई को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर अपने परिवार सहित समाज के साथ साथ देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने मतीसरा कुंवर बालिका उच्च विद्यालय के जमींदाता की भी शिक्षा क्षेत्र में दिए गए इस जमींदाता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी जमीन देकर समाज के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य संवारने की भूमिका निभाई है। कानून मंत्री डॉक्टर समीम अहमद से पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर पत्रकारों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार समाज का आईना होते हैं। सच्चाई दिखाने पर उन्हें बेइज्जती का शिकार होना पड़ता है, तो कानून मंत्री डॉक्टर समीम अहमद ने बताया कि यह गलत है कि पत्रकारों के साथ कोई बदसलूकी करे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। न्यूज 9 टाइम्स। आखिरी बात मैं अपनी तकलीफ जानकर अपनी करता हूँ, अधूरी ही सही दिलकश कहानी छोड़ जाएंगे, अधूरी ही सही दिलकश कहानी छोड़ जाएंगे हम जिंदगी के हर मोड़ पर लफ्जों की निशानी छोड़ जाएंगे। के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव जी, अमजद खान साहब, शंकर चौधरी जी, रामधनी यादव जी, राष्ट्रीय एकता एवं आधुनिक शिक्षा में मौलाना आजाद साहब का योगदान, इस रुमान के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे विनोद वर्मा जी, इसी स्कूल से रिटायर टीचर हैं, इसके संचालन कर रहे नसीब साहब, डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, डॉक्टर विनोद वर्मा जी, डॉक्टर नसीब साहब कटारी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, नूर आलम साहब, नबी आलम साहब, राष्ट्रीय जनता दल के पश्चिमी चंपारण के जिलाध्यक्ष मुन्ना त्यागी जी, डॉक्टर सुरभूषण पांडे जी, किसान को